दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर लैम्बिंग के बारे में। तो दोस्तों जब बेड की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है वो आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया है और बताया है भी। तो आफ्टर लैम्बिंग, तो दोस्तों खैर मकदम है हमारे इस चैनल पे कश्मीरी फार्मिंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जब बच्चा जो है वो 3 दिन का हो जाएगा उसके बाद हमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर जो नमक जो है वो इसके मुंह में डालना होगा। इससे क्या हो जाएगा, अगर इसकी मिनरल डिफिशियंसी होगी तो वो बराबर हो जाएगी और जो ये दूध पीता है वो उसे अच्छी तरह से हजम हो जाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा दूध पिएगा और इसकी ग्रोथ जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। दोस्तों जब ये बच्चा जो है वो 2 हफ्ते का हो जाएगा हमें इसको वैक्सीन, एंटीरोटॉक्सिमा वैक्सीन लगानी होगी, जिसको ईटी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब हम भेड़ बाहर ग्रेजिंग करने डालते हैं, जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है, बच्चे जो है वो ज्यादातर बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है उनमें, वो वही वजह होता है, हमने वैक्सीन इनको नहीं लगाई होती है। तो जब ये 2 हफ्ते का हो जाएगा हमें ईटी वैक्सीन इसको लगानी है। ईटी से इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ वो फिर काम करता है। तो 21 दिन के बाद वो ईटी हम डबल करेंगे, उसका जो है वो बूस्टर डोज देंगे, उसे इम्यूनिटी जो है वो 6 मंथ तक हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये 1 मंथ का फिर हो जाएगा हमें इसको जो है वो डिवर्मिंग करवानी होगी। तो या तो हम ऑरली इसको देंगे, तो वेट के हिसाब से हमें डिवर्मिंग इसको देनी है। तो इसके जो है पेट की जो है कीड़े वो मर जाएंगे। तो जब ये दूध पिएगा या ग्रास खाएगा तो सारा कुछ जो है वो फिर ग्रोथ पे ही लगेगा, वो पेट के कीड़े नहीं खाएंगे, तो इसकी ग्रोथ जो है वो फिर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब ये बच्चा जो है वो 2 मंथ का हो जाएगा, 2 मंथ के बाद हमें इसको FMD वैक्सीन, जिसको मुंह खोर की बीमारी भी कहते हैं, वो लगवानी है। उससे क्या हो जाएगा, एक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी उस बीमारी के खिलाफ। तो वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों फिर 15 दिन के बाद हम और एक वैक्सीन लगा सकते हैं, तो शीपॉक्स की वैक्सीन, एक जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक कंटेजनस बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जिसमें जो है बच्चे जो है उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो वैक्सीन भी लगाना बहुत ही जरूरी है जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों और एक वैक्सीन आती है PPR, वो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो है वो इम्यूनिटी पीरियड जो है वो फिर 2 साल तक हो जाती है, 2 साल के बाद हमें फिर वो नहीं लगाना होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको जो है अपने फॉर्म पे जो अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो बच्चा जो है जो एक फार्म का जो है फ्यूचर होता है, जिस पर हमें हमारी नजर होती है, तो वो सेफ रहेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।